नागपुर जिले के पारड़सिंगा में सती अनुसुईया माता संस्थान प्रसिद्ध है। विदेही श्री सती अनुसुईया माता की 98वीं जयंती के अवसर पर श्री सती अनुसुईया माता संस्थान पारड़सिंगा तालुका काटोल जिला नागपुर द्वारा श्री विष्णु महायज्ञ श्री रामकथा एवं भव्य राष्ट्रीय संत सम्मेलन का आयोजन किया गया। विश्व शांति, राष्ट्रीय एकता, सर्वधर्म संभाव, सहिष्णुता और मानवता का संदेश देने के लिए चैत्र कृष्ण अष्टमी बुधवार 1 मई 2024 से श्रीमद् भागवत कथा अखंड हरिनाम सप्ताह प्रारंभ हुआ। इस बीच काकड़ा अभिषेक, महापूजा, ब्रह्म ध्वज, पूजा स्तोत्र पाठ एवं आरती, श्री विष्णु महायज्ञ, श्री राम कथा आदि कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं तथा शनिवार 11 मई को सर्वधार्मिक सामूहिक विवाह समारोह भी आयोजित किया जाएगा। श्री सती अनुसुईया माता संस्थान के अध्यक्ष चरण सिंह ठाकुर ने सभी आयोजित कार्यक्रमों एवं महाप्रसाद का लाभ उठाने की अपील की है। जय श्री राम, जय अनुसुईया माता की। आप सबको प्रसन्नता की अनुभूति होगी कि महाराष्ट्र की पावन भूमि और आपके क्षेत्र में पारड़सिंगा मानुषीय के पावन प्रांगण में आज श्री विष्णु महायज्ञ श्री रामकथा का सप्तम दिवस में भारत के विभिन्न प्रदेशों के विभिन्न मठाधीशों का आगमन हुआ और उसमें प्रमुख जो भारत और राष्ट्र के लिए जो कार्य करते हैं राष्ट्रीय संत पूज्य डंडी स्वामी जितेंद्रानंद जी महाराज, जो कि अखिल भारतीय संत समिति के महासचिव भी हैं, जो कि पूरा नेतृत्व केंद्रित करते हैं, ऐसे महापुरुषों का आगमन पूज्य महामंडलेश्वर श्री वृंदावन दास जी महाराज जी और जो राष्ट्र के लिए दिनों रात कार्य करते हैं ऐसे हमारे कालीचरण जी महाराज आज कार्यक्रम में आकर और सभी श्रोताजनों को राष्ट्र के लिए जागरूक किया, धर्म के लिए जागरूक किया कि पहले हम लोग राष्ट्र के लिए कार्य करें, राष्ट्र हमारा है, हम राष्ट्र के हैं, ऐसी भावना उत्पत्ति की। जन जन तक सिर्फ यही मार्गदर्शन किया कि पहले राष्ट्र से प्रेम करा जाए और जब आज राष्ट्र और राम दोनों ही अति आवश्यकता है और जो राम का नहीं वो किसी काम का नहीं ऐसा भी महापुरुषों ने बोला, असत्य भी है, सत्य भी है, जो राम का नहीं जो राष्ट्र का नहीं वो किसी काम का नहीं, राष्ट्रद्रोही जो भी हो उनको तत्काल देश से निकाला जाए और जो राम का नहीं वो किसी काम का नहीं, ऐसे महापुरुषों ने यहाँ पर बहुत अच्छा अच्छा नेतृत्व किया और भक्तों को संचालित रूप से अपना आशीर्वाद दिया। हमारे परम आदरणीय महाराज जी, इन्होंने आज सप्तमी का सारा विवरण आप सबको दिया है और जो विष्णु महायज्ञ हमारे यहाँ होने जा रहा है वो हमारे लिए एक बहुत बड़ी अनुभूति है। रामायण का पाठ चल रहा है, उसका भी हमारी सप्तमी है और रामायण में हमारे बालक दास जी जिस प्रकार से रामायण की रचना का वर्णन कर रहे हैं ये हमारे लिए, हमारी आने वाले पीढ़ी के लिए एक आदर्श का कार्य हमारे लिए हो रहा है। आज तो ऐसा हो गया, जितेंद्र महाराज जी आ गए, बड़े बड़े महाराज सभी देश से, देश के कोने कोने से आए, उन्होंने आशीर्वाद यहाँ दिया। ऐसा महसूस कर रहे हैं हम आज कि हमारी धर्म संसद यहाँ पे पारड़सिंगा में आ गई और उन्होंने सभी को, हमारे क्षेत्र के लोगों को आशीर्वाद दिया है, ये हमारे लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है और इसीलिए मेरी विनंती है कि अभी 2 दिन शीर्ष बचे हैं, आप आइए इस धर्म संसद में, आप भी अपनी डुबकी लगाइए और महामंडलेश्वर तथा परम आदरणीय शंकराचार्य जी का कल आशीर्वाद आप सब लोग लीजिए और महायज्ञ की एक परिक्रमा लगा के आप भी धन्य होइए, ऐसी मैं संस्थान की ओर से आप सभी को विनती करता हूँ। नमस्कार। NBCN न्यूज के लिए अभिषेक पानसी की रिपोर्ट।